एक बार फिर रुख करते हैं गुजरात का। गुजरात में सुशासन का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। सीएजी की रिपोर्ट में गुजरात का यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि राज्य का हर तीसरा बच्चा कुपोषित है। सीएजी ने खोली मोदी के विकास के दावों की पोल। गुजरात में हर तीसरा बच्चा है कुपोषित। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हर जगह अपने 6 करोड़ गुजरातियों की सेवा का गुणगान करते हैं, लेकिन सीएजी यानी कैग की ताजा रिपोर्ट उनके दावों का दम निकालने वाली है। कैग की रिपोर्ट ने मोदी के राज्य की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के हर तीसरे बच्चे के पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है, यानी कि वो कुपोषित हैं। हर तीसरे बच्चे का वजन औसत से कम है, यानी वो अंडरवेट हैं। राज्य की एकीकृत बाल विकास योजना पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की करीब 2 करोड़ की आबादी इस योजना का फायदा उठाने से महरूम है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में आंगनवाड़ी का इतना बुरा हाल है कि 9 से 40% जगहों पर बुनियादी सेवाओं की कमी पाई गई है। नाबार्ड ने गुजरात को 3300 आंगनवाड़ी केंद्र के लिए कर्ज दिया, लेकिन राज्य ने सिर्फ 1979 आंगनवाड़ी केंद्र ही बनाए। कैग की रिपोर्ट में उठाए गए सवाल गंभीर है। विकसित प्रदेश के बुरे हाल को दिखाने वाली ये रिपोर्ट मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। गुजरात के विकास के तमाम दावों के दम पर ही मोदी बीजेपी में पीएम उम्मीदवार की कुर्सी तक पहुंचे हैं। कैग की इस रिपोर्ट पर सियासी घमासान होना भी तय है। आज तक ब्यूरो।